एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। आज से खबर दिन भर नए अंदाज और बिल्कुल नए कलेवर में आपके सामने लेकर एबीपी न्यूज सुबह से हाजिर है। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उत्तराखंड की खबर के साथ। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से तबाही में 9 दिन हो चुके हैं। 9 दिन से चमोली के तपोवन विष्णुघाट टनल में 39 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है, लेकिन अब तक जिंदगी के निशान के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आज भी टनल से 3 शव निकाले गए हैं, जिसके बाद त्रासदी में अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। केवल तपोवन टनल से ही अब तक 8 शव निकाले जा चुके हैं। 9वां दिन है, चमोली के तपोवन विष्णुघाट टनल से 39 मजदूरों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन अब तक जिंदगी का कोई निशान नहीं मिला है। उत्तराखंड त्रासदी के बाद से ही ऑपरेशन टनल लगातार जारी है, और आज की अगर बात करें तो आज सुबह में ऑपरेशन टनल के तहत जो यहां पर तपोवन का प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का तपोवन में, वहां से एक डेड बॉडी आज सुबह 6:55 पर और मिली है। यानी कि टनल से जो लगातार शव हैं वो यहां पर निकल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या 53 हो चुकी है। 53 लोगों के जो शव हैं वो अभी तक मिल चुके हैं, और 53 लोगों के अलावा लगभग 150 से ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी लापता हैं, और उन्हीं को ढूंढने के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। कैमरामैन दीपक चौधरी के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़ तपोवन। रक्षित ने जब ये रिपोर्ट भेजी थी तो 53 थी संख्या, लेकिन अब मरने वालों की संख्या 54 हो गई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार और एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह ने तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट दिया। उन्होंने क्या कहा और रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या वाकई आगे भी जिंदगी के निशान नहीं मिलने की उम्मीद है, जानिए। तपोवन टनल से आज 3 बॉडीज और मिले हैं, तो कुल वहां से 8 हो गई, और रैनी से अभी तक कल शाम तक 7 रिकवर हुई थी, आज कोई नई रिकवरी नहीं है। इस प्रकार इस पूरी आपदा में जो डेड बॉडीज रिकवर्ड हैं अभी तक की, वो 53 हो गई, और उनमें से शिनाख्त यानी आइडेंटिफाइड जो है, जिनकी पहचान हुई, वो 27 हुई हैं। और अभी हम जो तपोवन वाला डैम था एनटीपीसी का, उसके डाउन स्ट्रीम में हम उसका पानी को डाइवर्ट किया तो उसको सुखा रहे हैं, जिससे हम वहाँ पर भी ये एक्सकेवेशन डिगिंग ऑपरेशन कर सकें। तो ये हमारा संभवतः कल शुरू हो पाएगा। अभी पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिस तरह से जितना मलबा है जितना परसेंट हमने कवर किया है उस हिसाब से कम 3-4 दिन और लगेगा। अभी तक यहाँ से कुल मिलाकर 8 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, जिसमें कल रात के बाद से 2 डेड बॉडी रिट्रीव हुई हैं, 1:30 बजे और 1:55 पे एक डेड बॉडी रिट्रीव हुई है। टोटल कुल जो फिगर है वो 8 की हो चुकी है। काम अभी भी जारी है, लगातार 24/7 वो काम जारी है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। दिक्कतें देखिए, एक कन्फाइंड स्पेस में काम करना, मलबे में काम करना हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, तो लेकिन उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए इक्विपमेंट है, और जो मोराल है वो जवानों का, जो रेस्क्यूअर्स का, वो पूरी तरह से हाई है। देखिए, एनटीपीसी के तपोवन टनल में जिंदगी की तलाश में दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन मृतकों की संख्या अब बढ़ने लगी है। साथ ही ये आस धुंधली होती नजर आ रही है कि क्या जिंदगी वाकई वहां से निकल पाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा अपडेट हमारी रिपोर्ट समझाएगी। सात फरवरी 2021, समय बीत रहा था, आशंकाएं बढ़ रही थी, और आखिरकार वही हुआ। 130 मीटर के करीब टनल के अंदर खुदाई के दौरान 2 डेड बॉडीज मिली मजदूरों की। 15 फरवरी 2021, उत्तराखंड में हुई त्रासदी के 8 दिन। 8 दिनों बाद धुंधली हो गई जिंदगी की उम्मीद। 8 दिन पहले हुई त्रासदी के बाद जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। एक एक कर आगे बढ़ते कदम जिंदगी की दुआ कर रहे हैं, लेकिन ये दुआएं
प्रकृति के आगे नाकाफी साबित हो रही है। जिंदगी की तलाश में चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम ने रविवार को 13 और शव बरामद किए। इन 13 शवों में 6 शव एनटीपीसी की तपोवन टनल से हैं, 6 शव रैणी गांव और 1 रुद्रप्रयाग जिले में नदी किनारे बरामद हुए। ग्राउंड में काम करते हुए जो 180 मीटर के बाद जहां से डाइवर्ट होता है टनल, तो उससे पहले ही हमें ये डेड बॉडी रिकवर करने में सफलता मिली है। और बाकी 5 जगह पे हमारी टीम लगातार भागों में काम कर रही है, जो कि एक टनल हो गया, एक रेनी जहां से 5 बॉडी रिकवर की हमने, कल भी एक एम्प्यूटेड पैर का पोर्शन मिला था और वहां पे थोड़ा सा जगह और बच रहा है जिसको हमने सर्च अभी इंटेंसिव सर्च कर रहे हैं। मृतकों के इस बढ़ते आंकड़ों ने हौसलों को तो कम किया है, लेकिन अब भी हौसला पूरी तरह टूटा नहीं है। यहाँ बचाव कार्य में लगे जवान अब भी जिंदगी की तलाश में दिन रात जुटे हुए हैं। एक तरफ जहाँ तपोवन टनल के अंदर जाने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं रैणी गांव में आईटीबीपी के जवान लापता हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। सेना के ये जवान सिर्फ बचाव के लिए ही काम नहीं कर रहे, बल्कि स्थानीय लोगों की मदद भी कर रहे हैं। यहाँ आपदा ने रास्तों को भी बर्बाद कर दिया है, ऐसे में स्थानीय लोगों को परेशानी से बचाने के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। ये पुल ऋषि गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। खास बात है कि गांव वाले की सुरक्षा के लिए यहाँ जवान मौजूद हैं और जवानों की मौजूदगी में ही ये पुल पार किया जा सकता है। हमने फुट बनाया हुआ है यहाँ पे, फिलहाल जब तक हमारा बेली ब्रिज जो एक परमानेंट ब्रिज बनने वाला है तब तक हम इसका इस्तेमाल करके इस पार से उस पार भेज सकते हैं लोगों को। सारे गांव वाले उस पार, जैसे आपको पता होगा कि 13 गांव हैं लगभग, तो वो गांव वाले हैं, वो सारे लोग इस पार से उस पार इसके माध्यम से आ जा रहे हैं। हालांकि चमोली में बदल रहा मौसम का मिजाज इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है, ऐसे में अगर बारिश होती है तो उसका सीधा असर यहां चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर होगा। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश का जो अनुमान है वो जताया है और उसी की जो एक तस्वीर है, एक बानगी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चमोली जिले में यहाँ पर जोशीमठ के पास में जहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई रैणी गांव के बीच में, मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। एक बार फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अगर बारिश होती है तो ऐसे में बर्फबारी की जो आशंका है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसे में मौसम बिगड़ता है, बारिश होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर पड़ना लाजमी है। प्रकृति तो उत्तराखंड पर कहर बरपा ही रही है, लेकिन ये राहत और बचाव कर्मी के तौर पर देवदूत ही हैं जो इस मुश्किल घड़ी में जिंदगी की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं। अब दे 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 आपको, अब मरने वालों की संख्या इस मामले में 54 हो गई है। सीधे लिए चलते हैं तपोवन से मेरे सहयोगी रक्षित, जिसकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रक्षित, मौसम कैसा है और खलल पैदा कर रहा है क्या मौसम राहत और बचाव कार्य में? बिल्कुल, देखिए कुमकुम, मौसम विभाग ने जो है वो चेतावनी दी थी 2 दिन की, उसको अब एक्सटेंड भी कर दिया है कि अगले 3-4 दिनों तक जो है बारिश का माहौल हो सकता है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश की जो बात है वही सामने आई है। और मौसम इस वक्त आप लाइव तस्वीरों में यहाँ से देख सकते हैं कि मौसम आपको बादल जो हैं वो बादल आपको नज़र आएंगे और साथ ही साथ जो बर्फबारी है ऊपर की तरफ पहाड़ों पर वो भी नज़र आएगी। तो एक बार फिर से आज दोपहर से जो बादल हैं वो यहाँ पर बनने शुरू हो गए हैं और जाहिर सी बात है कि अगर इसी तरीके का पूरा मौसम का हाल रहता है, बारिश पड़ती है, तो स्थानीय लोगों का यही कहना है कि बर्फबारी भी हो सकती है और ऐसे में अगर मौसम बिगड़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसका असर राहत और बचाव कार्यों पर पड़ सकता है। रक्षित, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा था कि 54 संख्या अब मरने वालों की हो गई है, आप बता रहे हैं कि बर्फबारी के आसार भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं और जिंदगी पटरी पर आए, कम से कम उसके लिए एक अस्थाई पुल भी बना दिया गया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है आप भी इतने दिनों से देख रहे हैं, क्या लगता है कोई भी उम्मीद क्या जिंदगी निकलने की या जिंदगी की नहीं मिल सकती अब? कुमकुम, देखिए यहाँ पर चाहे NDRF हो, SDRF हो, आर्मी हो या फिर मार्कोज हो, एयरफोर्स के कमांडोज हो, सभी इसी उम्मीद में यहाँ के स्थानीय लोग भी थे कि शायद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जिंदगियां
जो है वहाँ से जो फंसी हुई हैं 34 से ज़्यादा वो लोग जीवित आएँ, लेकिन अब संभावनाएं जो हैं वो बिल्कुल क्षीण हो गई हैं। जो एनटीपीसी के सूत्रों से बात हुई है, जो ड्रिलिंग उन्होंने की थी वो ड्रिलिंग इसीलिए की थी पानी का लेवल चेक करने के लिए। जैसे ही ड्रिल किया गया 13 मीटर पर जाकर पानी मिल गया, तो यानी कि अगर वहाँ पर पानी नहीं होता तो उस सुराख को बड़ा करके और मैनुअल जो है लोगों को वहाँ पर उतारने की कोशिश होती। लेकिन सुरंग में जो पानी का रिसाव है वो लगातार हो रहा है, क्योंकि 50-50 हॉर्स पावर के दो बड़े एग्जिट पंप्स जो हैं वो वहां पर लगे हुए थे और अब वो फंक्शनल नहीं है बीते संडे से। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 6 इंच पानी लगातार टनल से निकलता था और अब वो नहीं निकल रहा। तो एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।